हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बिहाफ है ऑफ एक पुराने वीडियो पे है। मेरा एक पुराना वीडियो था माय फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक। उसमें इतने सवाल आते थे कि मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए, तो मैं आज आया हूँ रिप्लाई करने के लिए उसके क्वेश्चनों का। तो मैं बस यहाँ पे दो चीज़ समझाने के लिए आया हूँ, कॉपीराइट क्लेम इज कॉपीराइट स्ट्राइक। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉपीराइट क्लेम के बारे में। अगर कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल पर आता है तो कोई बात नहीं, आप 5-6 कॉपीराइट क्लेम ले सकते हैं। तो मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहा हूँ, इससे आपका चैनल बंद नहीं होता। देखिए, कॉपीराइट क्लेम आता है तो क्या होता है कि यूट्यूब आपके पास एक ईमेल भेजता है। ईमेल पर लिखा रहता है कि आप यू आर नॉट इन ट्रेबल, आप इस वीडियो को एज इट इज अपने चैनल पर रख सकते हैं, लेकिन इसकी जितनी भी अर्निंग हो, जितनी भी कमाई होगी, तो वो ओरिजिनल मालिक को चली जाएगी। तो कॉपीराइट क्लेम जो आता है वो 3 तरीके का आता है। पहला तरीका तो ये आता है, जैसे आएगा तो आपके चैनल पे वो वीडियो रहेगा, दिखा भी सकते हैं और सारी अर्निंग यूट्यूब ओरिजिनल मालिक को चली जाएगी। सेकंड तरीके से आएगा, पार्शली ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब कहा जाएगा कि इस कंट्री में आप वीडियो दिखा सकते हैं, इस कंट्री में आप वीडियो नहीं दिखा सकते, ठीक है, लेकिन इसके अर्निंग ओरिजिनल मालिक के पास चली जाएगी। थर्ड तरीका से ये आएगा कि जैसे कॉपीराइट क्लेम आएगा, वीडियो आपको दिखेगा कि आपके वीडियो चैनल पर है, लेकिन कोई और उसको प्ले नहीं कर पाएगा, मतलब तुरंत ही इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 तरह का कॉपीराइट क्लेम आता है। कॉपीराइट क्लेम से कुछ भी नहीं होता है, बस मैं बता दूं, अगर स्टेप बाय स्टेप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपके चैनल को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मतलब बहुत पावरफुल होता है ये, मेरे साथ हो चुका है। मैंने क्या करा, दूसरा कोई वीडियो ऐसा था जो कॉपीराइट, मतलब कि मैंने जहाँ से वीडियो अपलोड किया था, जिस वेबसाइट से, उन्होंने बोल रखा था मेरे वीडियो को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पूरा कंटेंट मेरा नहीं था। तो क्या हुआ, यूट्यूब ने डायरेक्ट मेरे चैनल को ही बंद कर दिया बिना स्ट्राइक दिए, क्योंकि वो नया चैनल था और मैंने शुरू में मोनेटाइज कर दिया था। तो आप शुरू में मोनेटाइज मत करिए, अगर दूसरे का कंटेंट डाल रहे हैं अपने चैनल पर तो मोनेटाइज शुरू में मत करिए। वैसे भी अब होता भी नहीं, अब 1,000-4,000 का ड्रामा जो आ गया, आप समझ गए होंगे। तो कॉपीराइट क्लेम से कुछ भी नहीं होता, बस बैक टू बैक कॉपीराइट क्लेम मत लीजिए। जैसे कॉपीराइट क्लेम 5-6 आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपके चैनल को गायब ही कर दिया जाएगा, मतलब आपको कोई स्ट्राइक में बंद ही हो जाएगा। बस सच बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यूट्यूब कुछ भी कर लेता है कभी। अब आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक एक धमकी है, और कॉपीराइट स्ट्राइक जब आता है आपके चैनल पे, तो आप ये मान के चलिए कि 3 कॉपीराइट अगर स्ट्राइक एक साथ आता है तो आपका चैनल हो जाएगा बंद, ठीक है। यानी कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया और 3 महीने के अंदर वो अपने आप खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि मेरे को आज 1 जनवरी को आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के 31 तारीख के, यानी कि 31 तारीख के 12 बजे रात में वो अपने आप कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। यानी 3 महीने में एक कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाता है। मान लो कि मैंने 3 स्ट्राइक आज ही ले लिया है तो मेरा चैनल हो जाएगा बंद। यानी 3 महीने के अंदर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक किसी हालत में नहीं लगा। अगर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है तो प्लीज़ सिक्योर रहिए, अपने चैनल पे कुछ कंटेंट डालिए मत जब तक कि वो चला ना जाए। अगर आप अपना प्योर कंटेंट डाल रहे हैं तो बहुत सावधानी से डालिए। तो 3 कॉपीराइट स्ट्राइक कभी भी किसी हालत में मत लीजिए, ठीक है। एक साथ आने पर ही बंद होता है, ऐसे नहीं होता कि मैंने 1 जनवरी को मेरे पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया, ठीक है, 3 महीने बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा स्ट्राइक आया है कॉपीराइट का, तो वो पहला स्ट्राइक माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को पहला 1 जनवरी वाला मान लिया जाएगा, फिर 1 अप्रैल को जो आया वो भी स्ट्राइक मान लिया जाएगा, वो दूसरा होगा, नहीं। एक स्ट्राइक के रहते हुए दूसरा स्ट्राइक आता है तो दूसरा स्ट्राइक माना जाएगा उसको, और 2 स्ट्राइक के रहते हुए तीसरा स्ट्राइक आएगा कॉपीराइट, तो तीसरा स्ट्राइक माना जाएगा उसे। लेकिन अगर एक स्ट्राइक मेरे पास आया, फिर 2 आया, लेकिन मैंने दोनों तीनों तीन तीन महीने बाद वो दोनों खत्म हो गए, उसके बाद फिर एक नया कॉपीराइट स्ट्राइक आया, तो पहला स्ट्राइक माना जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कॉपीराइट क्लेम जो है एक धमकी है, केवल वो एक ये है कि आपने किसी का कंटेंट चुराया है, आपको जो भी अर्निंग होगी आपको उसको देना पड़ेगा, जो उसका ओरिजिनल मालिक है आपको देना क्या पड़ेगा, यूट्यूब आपसे छीन के उसको दे देगा, आप कर क्या लोगे यूट्यूब का। दूसरा ये है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक किसी भी हालत में नहीं लेना, सावधान रहिए। जैसे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आए, सावधान हो जाइए, अच्छे कंटेंट बनाइए और बी सेफ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम किस किस वजह से आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सपोर्ट करें मेरे को, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़े, और ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूँ। और जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप पूछेंगे कौन से कैमरे से बना रहे हैं, कैसे बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि S7 के फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। कमेंट पूछेंगे तो बताऊँगा, इससे पहले मैं बता, थैंक यू फॉर वॉचिंग।